तो कितना लगा था, कितना बोल रहे थे कंसल्टेंसी का? 70,000 सब पीसीसी वीसीसी सब लेके? नहीं, सिर्फ सर्विस चार्जेस 68। उसके बाद में गमका मेडिकल कराया, मेडिकल अलग से कराया, पीसीसी कराया, तो टोटल कितना खर्चा हो गया? तुम्हारा 70 के आसपास, हमारा 70,000 कंसल्टेंसीज को दिया, जो दिल्ली में कंसल्टेंसीज है, आईके मैन पावर बहुत ही अच्छी कंसल्टेंसीज है। अच्छा, हाँ, और उसके बाद में 4,600 रुपए दिया हमने गमका का, और 2,500 रुपए दिया प्री मेडिकल का, 1,200 रुपए हमारा लगा था अपना ये पीसीसी का। अच्छा अच्छा, तो टोटल कॉस्ट मेरा 1,00,000 किया है। 1,00,000 और आपका 90,000। तो सही है भाई, देख रहे हो इतना खर्चा हो रहा है। तो आप लोग ये नहीं समझना कि 10,000-20,000 में आने मिल जाएगा, नहीं जी, 1,00,000 रुपया मिनिमम पकड़ के रखना, और उतना ही खर्चा होता है आने के लिए। आपको पीसीसी कराना है, प्री मेडिकल कराना है, गमका मेडिकल कराना है, उसके बाद में आपका वीज़ा आएगा, फिर स्टैंपिंग के लिए होगा, मतलब बहुत सारे तामझाम है, तो समझ के रखिए। फिर कम, हाँ बोलो। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है आने के बाद, ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि मैं किसी न्यू कंट्री में आया हूँ, इंडिया जैसा सेम फील हो रहा है, क्योंकि हमारे इंडियन भाई लोग रूममेट जो मेरे हैं वो हैदराबाद से। अरे वाह, अनिल भाई वो बहुत ही अच्छे हैं, मेरे लिए खाना बना देते हैं, बोलते भाई खा लेना, और बहुत ज्यादा केयर करते हैं हम लोगों की। तो भाई हो गया है अब जाने का टाइम, आई मेड ऑल ऑफ दिस गाइस, सबसे मिला एंड मिलके मेरे को जो एक्सपीरियंस लिया है भाई, लाइफ का भी लिया है और जॉब का भी लिया है, और इनके आने तक की स्टोरी भी मेरे पास में है। सो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, सो दैट यू कैन वॉच ऑन माय चैनल। तब तक के लिए अब मैं भाई लोगों को बाय बोलूंगा, और सब लोग चलो बाय, थैंक यू सो मच। अब आपका बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। चलो भाई, तारीफ हो गई है, अब मिलकर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो चलो भाई, ऐसे ही बंदे लोग ऐसे कमाते रहो, तो आप लोग भी ऐसे ही कमाते रहो, एक एक दिन से हाथ मिला लेते। चलो थैंक यू सो मच ताजी, थैंक यू मच, थैंक यू बडी, थैंक यू यार अपना भाई, भाई मिल गया ये सब लोग से मिलके, सच में बता रहा हूँ बहुत ज्यादा मजा आ गया, थैंक यू सो मच यार। तो भाई जी मचा देंगे इंडिया भी आके और छाप देंगे पूरा। तो चलो भाई मिलता हूँ, अब जा रहा हूँ मैं वापस यहाँ से, अब मुझे जाने के लिए लगेगा 1 घंटा, सो की बहुत ज्यादा टाइम होने वाला है। तो अब जाते हैं बस में बैठते हैं, और क्या सिनारियो होता है सब कुछ शेयर करूंगा, इनकी जो भी एक्सपीरियंस रही है भाई लोगों की, तो आप लोग भी साथ में। तो अभी मिलते हैं बाद में, बाय, टेक केयर भैया। चलिए चलते हैं अपने नापुन के घर पे। तो ये मैंने बुक मंगाए थे भाई ने ला के दे दिया, गौरव भाई ने, बहुत अच्छा लगा, और हवा बहुत है, बच्चे लोग जा रहे हैं स्कूल से, और ये सीन है, सामने मस्जिद है, और मैं फरमानिया में हूँ, मैं आपको बता दूँ मैं फरमानिया में हूँ, और पहली बार मेरे को पता नहीं था कि मैं आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा, मैं पहली बार अकेला बाहर निकला हूँ, ना ही किसी फ्रेंड के साथ में, अब साथ में मेरे साथ में बंदा है, मुकेश बोला था, अनुज भूल गया नाम, तो साथ में भी अनुज है, अनुज भी जा रहा है, अनुज निकल जाएगा सालमिया, और मैं निकल जाऊंगा महाबुला। तो जाते हैं अभी दोनों भाई बस पकड़ के। हाँ भाई, तुमको लेट हो रहा है, तुम जाओ पहले भैया। तो ये बच्चे लोग बैठे हैं यहाँ पर, चलो चलते हैं। सीन कुछ ऐसा है, देख लो आप लोग, ये है सबसे बड़ा मॉल क्राउन प्लाजा कुवैत सिटी में, देख रहे हो, तुम्हारा भाई आया है, देख ले, जो एक छोटा सा सपना देखा था यार कुवैत में जाने का है, पैसे कमाने का है, और आ गया, अपने बंदे लोगों से मिल लिया, खुशी तो देखो भाई के चेहरे पर, एकदम सही है ना। तो चलो मिलते हैं आगे। तो सडनली मेरे को बैठने का मौका मिल गया, देखा तो बस आ गई थी, तो फिर बस की चढ़ दी, वीडियो नहीं बना पाया, और देखते हैं क्या सीन होता है और क्या क्या मिलता है खींचने के लिए, तो मैं आप लोग के साथ जरूर शेयर करूंगा। तो देखते हैं, अभी बस में बैठ गया हूँ, कम से कम 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा नहीं तो 30 मिनट जो भी हो सकता है पहुँचने के लिए, तो मेरे को इंतजार करना है अभी अपने। छुट्टी का दिन मैंने अपना पूरा एंजॉय किया, मैं सबसे बड़ी बात तो मुझे बुक मिल गई, और मेरे बंधु लोग से मिलने का मौका मिल गया, जिसको मैं कभी जानता नहीं था, कभी देखा नहीं था, खाली मेरे कमेंट बॉक्स में बातें होती थी,
फिर इंस्टाग्राम पे बातें होने लगी, फिर कॉन्टेक्ट नंबर एक्सचेंज हुआ, फिर मिलने का मौका मिला। मजा आ गया। ये देखो कुवैत में कैसा हवा चल रहा है, और मेरे उस पार में सी है, सी है, सी है, सी है, समुंदर, और ये समुंदर की रेते मेरे पैरों के नीचे, और ये है सहारा कॉम्प्लेक्स। अभी भाई जाएंगे इसके पीछे, अपना अकोमोडेशन है, फिर वहां पर घर में जाएंगे। मजा आ गया, आज का दिन भूले भुलाएगा नहीं, क्योंकि यार अकेले बाहर जाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और ऐसे कुवैत जैसी कंट्री में। मतलब मैं अकेले यहाँ पे जा सकता हूँ तो कहीं पे भी जा सकता हूँ भाई। अब तुम्हारा भाई मचाएगा। यस भाई, ये देखो क्या बिल्डिंग है यार, इतनी बड़ी बड़ी, सच में बता रहा हूँ यार। क्या है, petzone.com, यहाँ पे petzone भी, अल फार्मेसी भी है, मतलब सही है, मतलब बहुत सही। सचिवान तो जो लाइफ जी रहा है ना, मेरे से लाइफ लोग जीना चाहते हैं, लोग देखना चाहते हैं, वो लोग भी घूमे कुवैत को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। सो हैप्पी, छुट्टी के दिन घूमने का मजा ही बड़ा है। सही है भाई, चलो अभी थोड़े टाइम में अपना आ जाएगा, फिर अपन निकल जाएंगे। मेरे सामने एक गोरी बैठी है, कॉफी पी रही है, जो भी वो भी, और अपन ब्लॉग बना रहे हैं और ब्लॉग वीडियो एंजॉय कर रहा है बाकी सब। तो भैया मैंने 1750 वाला बैग ले लिया, तो अब आपका भाई दिखेगा ऐसा लटकाएगा, और इसके अंदर मोबाइल रखेगा, बहुत सारा पैसा भी रखेगा, है ना। तो बहुत सारा पैसा भी रखेगा और मोबाइल वगैरह सब इसके अंदर रहेगा। और हेलो सर, हाउ आर यू देन। तो सर से मैंने खरीद लिया है, अभी बैग लेके जाएगा नीचे कुश्तू में, नेस्टू में, और अपना सामान खरीदेगा और फिर घर पे जाएगा। तो फिलहाल तो बैग लेने की कब से सोच रहा था और मैंने आज ले लिया है। चलो थैंक यू सो मच फॉर चेंज। के हाँ? ये आपका दुकान फेमस हो जाएगा अब मेरी वजह से। तो अभी मैंने ये बैग लेने का था तो ले लिया, अभी देख लो मेरा बैग सामान सब इसके अंदर आ जाएगा। अभी चलते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो आप खरीद सकते हैं। 750 में जैकेट मिल रहा है, ये देखो 250 में ये मिल रहा है, 2 kg, और ये बच्चों लोग के लिए भी मिल रहा है, ये ना 1 kg 700। अभी नहीं चाहिए, जब मैं जाने लगूंगा मेरी बेटी अनु के लिए लेके जाऊंगा तो बहुत अच्छा फील करेगी वो। तो अनु पापा लेके आएगा तेरे लिए, ये इतने में है, सही है, अनु के लिए लेना पड़ेगा मेरे को, अभी नहीं जाते समय, क्योंकि अभी जगह नहीं है रखने के लिए। तो चाहते हैं, थैंक यू भाई, वेलकम। चलो भाई अपना काम हो गया, खरीदी भी हो गया। हाउ आर यू ब्रदर, हाँ इंता मिया भी। चलो जाते हैं नेस्टो में, सामान खरीदते हैं और निकलते हैं, बहुत सारा सामान। ये नेस्टो आ गया, नेस्टो में भी सामान खरीदना है। ब्लॉग बहुत ज्यादा लंबी हो गई है तो बने रहो। चलो सामान क्या क्या खरीदते, खरीद के निकल जाते, बहुत कुछ लेना। तो धनिया ले लिया है, कांदा ले लिया, टमाटर नहीं, टमाटर नहीं, आलू, सेब। अब देखते हैं इसमें से क्या समझ में आता है। थोड़ा सा गार्लिक ले लेता हूँ, क्योंकि चिकन में गार्लिक डालेगा तो बहुत मजा आता है खाने के लिए। तो ऐसे सारी शॉपिंग हो रही है यहाँ पर, ये सारे जितने भी टैग लगे सारे प्राइजेज है, तो फिर 0.9495 ये सब फिल्स में जो भी प्राइजेज है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो क्या कितने का, जो जिसके नीचे है उसका उसका प्राइस है। तो समझ गया, आपको ऐसी शॉपिंग करनी पड़ेगी, ऐसी लाइफ जीनी पड़ेगी आप। तो चलो फटाक से मैं अपना गार्लिक ले लेता हूँ, फिर निकलता हूँ यहाँ से, क्योंकि मेरे को जितने सामान चाहिए थे मैंने सारे सामान ले चुके हैं, समझ रहे हो। चलो फिर, हाँ बेस्ट, आप इस तरह से काम करते हैं भाई। मिल्क भी ले लिया, चीज बटर कुछ भी नहीं चाहिए, मतलब लबान ले लिया। सोयाबीन ढूंढ रहा हूँ, सोयाबीन कहाँ पे मिलेगा, चलो सोयाबीन लेते हैं। ये साली दालें है, सोयाबीन किधर है, सोयाबीन नहीं दिख रहा है, पूछते हैं। सोयाबीन मिल गया, 300 फिल्स का ले लेते हैं और निकलते फिर। थैंक्स, चलो सारा सामान खरीद लिया, अब निकलते हैं यहाँ से, ले लेते हैं क्या पूछ रहा है। चलो फाइनली डन, बहुत सारा सामान ले लिया, डन। 4 kg तक जाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं 4 kg तक का मैंने सामान उठाया कितना निकलता है। पानी निकलता है।
RKD 155 टोटल। तो अपना कार्ड दे रहा हूँ भाई को। तो सामान ले लिया है इतना सारा सामान, अब जा रहे घर पे। 5 KD का बिल बन गया, 5 KD 5 KD का बिल बन गया, क्योंकि मैंने टूथपेस्ट नहीं ऐड किया था, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी था टूथपेस्ट लेना। तो ये सारा सामान था और एक बैग, मतलब 5 KD प्लस 2 KD 7 KD का खर्चा हो गया है मम्मा, 7 KD का खर्चा। और अन्नू के लिए मैंने जैकेट देखा है, मगर आते समय लेके आऊँगा, अन्नू के लिए एंड अनन्या के लिए, हाँ एक ही लूँगा। देखेंगे छोटा साइज रहा तो छोटा साइज भी ले लेंगे, बट कोई नहीं, अभी जा रहे हैं, मिलते हैं घर पर। हाथ दुख रहा है और मोबाइल पकड़ा नहीं जा रहा है मेरे से, बाय। तो आपको पसंद आएगी तो वीडियो को चैनल को लाइक करना, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना। चलो भाई, ऐसे ये बंदे लोग ऐसे समझते रहो।